हेलो गाइस, हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE क्लैश एट द कैस्टल के न्यूज निकल कर आ रही है, क्या वहाँ की रेटिंग रही और क्या रूप में वहाँ अच्छा किया। बात करेंगे ब्रॉक लेसनर के बारे में, उनकी भी रिटर्न की मैच के बारे में हमें पता चला है। जॉन सीना ने भी अपने रिटर्निंग मैच टेस्ट किया है। और बात करेंगे वीर महान के बारे में। फर्स्ट बात करते हैं वीर महान के बारे में। बहुत टाइम से WWE टेलीविजन पर हमें वीर महान देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो रिपोर्ट्स का मानना यह है वीर महान के अभी प्लान्स नहीं है रूट को अभी रिटर्न कराने। कुछ रो के एपिसोड में अभी मान हमें और देखने को नहीं मिलेंगे और शायद हमें एक्सट्रीम रूल्स में भी वो देखने को ना मिले। मुझे लगभग याद है दोस्तों, जब से वीर महान ने WWE में अपने डेब्यू किया है तब तक उन्होंने एक भी प्रीमियम लाइन इवेंट में उनका कोई मैच नहीं हुआ है। देख रहे हैं ट्रिपल एच वीर महान को कैसे यूज करते हैं। पर अभी हमें जिस प्रकार न्यूज निकल कर आ रही है इस हफ्ता चला है कि अभी एक और दो तीन और रो के एपिसोड में वीर महान देखने को नहीं मिलने वाले हैं। देख रहे हैं वीर महान का स्टेटस क्या होगा, ये एक देखने लायक हिस्सा होगा। बात की जाए नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है वो आ रही है WWE क्लैश एट द कैस्टल के यहाँ से। ट्रिपल एच ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर फोटो पोस्ट की जो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। उन्होंने ट्विटर के बताया है कि #WWEcastle वाज अ मैसिव सक्सेस फ्रॉम WWE अक्रॉस ऑल द लाइन ऑफ बिजनेस एंड द #WWE यूनिवर्स इन द यूक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर शुड बी नेक्स्ट। कहने का अंतर यह है कि WWE क्लैश एक मैसिव सक्सेस WWE के लिए और बिजनेस के लिए और यूके में, और नेक्स्ट WWE ने क्या किया। बात की जाए तो क्लैश एट द कैस्टल में व्यूअरशिप में नंबर वन इंटरनेशनल व्यूअरशिप निकल कर आई है WWE हिस्ट्री की, जो इंटरनेशनल रोड है WWE जहां गई है। बात की जाए WWE क्लैश एट द कैस्टल का ट्विटर पे नंबर वन पर ट्रेंड हो रहा था जब WWE क्लैश था। क्राउड के बारे में तो लार्जेस्ट यूरोपियन क्राउड आया हुआ है WWE क्लैश एट द कैस्टल में। और भी कुछ है, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ दोस्तों। WWE क्लैश एट द कैस्टल में नॉन WrestleMania इवेंट होने के कारण उन्होंने सबसे ज्यादा मर्च बेची है WWE क्लैश ऑफ द कैस्टल में, जो नॉन WrestleMania इवेंट। बात की जाए नेक्स्ट न्यूज के बारे में, नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है द हसल लॉटरी जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर एक फोटो पोस्ट की है जिससे फैंस का मानना यह है कि वो अपना रिटर्निंग मैच टीच कर रहे हैं। जॉन सीना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मनी इन द बैंक विनर ऑस्टिन थ्योरी की फोटो पोस्ट की है, जो आपको अभी बता रहे हैं दोस्तों। इसीलिए रिपोर्ट्स का मानना यह है कि जॉन सीना नेक्स्ट ऑस्टिन थ्योरी के साथ मैच दे सकते हैं। क्या आप जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के मैच के लिए एक्साइटेड है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप ये मैच देखना चाहेंगे, ये भी हमें जरूर बताएं। बात की जाए नेक्स्ट न्यूज के बारे में, तो नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है रखा हुआ है ब्रॉक लेसनर के बारे में। मैं आपको ये बता ही था दोस्तों, ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लेस्ली का मैच कराना चाहती है क्राउन ज्वेल के आसपास। तो WWE यही सोच रही है कि किस टाइम ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कराया जाए। तो न्यूज ये सुनने को आ रही है कि एक्सट्रीम रूल्स में या फिर एक्सट्रीम रूल्स के नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक लेसनर देखने को मिल सकते हैं मंडे नाइट रॉ के अंदर। वो वहीं से ही उनकी फ्यूड्स बॉबी लेस्ली के साथ चालू कर सकते हैं। ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लेस्ली, ये इनकी फ्यूड कब से चालू होती है। बात की जाए ब्रॉक लेसनर के स्टेटस के बारे में, तो ब्रॉक लेसनर हमें अभी क्राउन ज्वेल के लिए एडवर्टाइज किए जा रहे हैं। WWE डे वन जो 23 के फर्स्ट डे में होने वाला है उसके लिए एडवर्टाइज किए जा रहे हैं। WWE रॉयल रंबल के लिए एडवर्टाइज किए जा रहे हैं और WrestleMania में ब्रॉक लेसनर हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये बहुत न्यूज निकल कर आ रही है कि ब्रॉक लेसनर अभी हमें लगातार PPV में प्रीमियम लाइव इवेंट्स में देखने को मिलने वाले हैं। देखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही वैसे